मुझे भी कोरोना हो गया था और लगभग 7-8 दिन मैं होम आइसोलेशन में रहा। आप सबकी खूब दुआएं मिली, आपका खूब आशीर्वाद मिला, आपकी सबकी शुभकामनाएं आ रही थी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मुझे लगभग 2 दिन बुखार रहा, उसके बाद मैं ठीक था लगातार, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से मैं 7-8 दिन होम आइसोलेशन में रहा। अब मैं वापस आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सब लोगों की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल्ली में जो कोरोना की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, उसको लेके मैं हमेशा से चिंतित था। हालांकि मैं होम आइसोलेशन में था, लेकिन फ़ोन के ऊपर मैं लगातार अपने सभी ऑफिसर्स से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, हेल्थ मिनिस्टर से, सबसे लगातार संपर्क में था। जो जो इंतजाम किए जा रहे हैं और जिस तरह से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है, उसके ऊपर मैं नज़र रखे हुए था। दिल्ली के अंदर जो कोरोना की, पूरे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था, उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे, और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। तो डेली बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको जो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। पिछली जो वेव आई थी अप्रैल मई में, उसमें 7 मई को इतने ही डेली केसेस आते थे, 20,000 के करीब। जैसे अभी 20,000 केसेस आए कल, 20,000 केसेस पर डे डेली केसेस आए। 7 मई को भी 20,000 केसेस आए थे पिछली वेव में, लेकिन 7 मई को 341 मौतें हुई थी। 341 मौतें, लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो 7 मौत हुई हैं। एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन में केवल 7 मौत हुई हैं। 7 मई को जब 20,000 केसेस आए थे, तो लगभग 20,000 बेड्स दिल्ली में भरे हुए थे, लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं, तो लगभग 1,500 बेड केवल दिल्ली में भरे हुए हैं। तो उस तरह से इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे जरूरी है, मास्क पहनना सबसे जरूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो, और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं, ताकि लोगों के रोज़ी रोटी चलती रहे, लोगों के रोज़गार चलते रहें। एलजी साहब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कल हमारी डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो सब लोग मिलके, मैं, एलजी साहब, हमारे सारे ऑफिसर्स, केंद्र सरकार, सब लोग मिलके सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। पहले भी हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया।
तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की ज़रूरत ना पड़े।